ऋतुशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। मानसून ने बदली चाल, देश गर्मी से बेहाल। मुंबई के रास्ते गुजरात पहुंचा आंध्र, तमिलनाडु बारिश को तरसे, 11 दिन से कर्नाटक में फंसा। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग, 40 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद। कश्मीर में हत्याएं बढ़ने के बावजूद टूरिज्म में रिकॉर्ड इजाफा, इस साल 10 लाख पर्यटक सैर करने पहुंचे। रांची के बाद बंगाल में मुर्शिदाबाद में भी इंटरनेट सेवा ठप, पुलिस अधिकारियों का तबादला। कोरोना केस लगातार दूसरे दिन 8000 के पार, 24 घंटों में 8582 मामले, महाराष्ट्र टॉप पर, हर 100 लोगों का 7 संक। ईडी के सामने कल राहुल गांधी की पेशी, कांग्रेस ने बनाई देशव्यापी बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना। रांची में हिंसा के लिए यूपी से आए थे लोग, सहारनपुर में 12 लोगों की टीम झारखंड पहुंची, कौम की दुआएं देकर युवाओं को उकसाया। राजस्थान में 4500 पंप सूखने की कगार पर, पेट्रोल डीजल का संकट, रात 9 बजे बाद बंद हो जाने का आदेश। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता को झटका, ममता पर विफरे येचुरी। फिर से पनपने की कोशिश में उग्रवादी संगठन उल्फा, 300 युवक युवतियों को संगठन में भर्ती कराया, बनाइए को जांच की जिम्मेदारी। कांग्रेस के लिए नई संजीवनी साबित होंगे जादूगर गहलोत, बढ़ेगी पायलट की मुश्किलें। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर अमित शाह सख्त, बोले दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। राज्यसभा में भाजपा को 4 सीटों का नुकसान, 100 के आंकड़े के लिए करना पड़ेगा इंतजार। प्रयागराज के हिंसा मास्टरमाइंड जावेद, पंप के घर पर चला बुलडोजर, लगा नोटिस। कानपुर कमिश्नरेट पर हिंसे का दाग, 183 घंटे में पुलिस ने की 57 गिरफ्तारी, बुलडोजर गर्जा और पुलिस की नाकामी भी आई सामने। में मिली एक्सपायर दवाओं पर एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जांच के दिए आदेश। प्रदेश के जौनपुर में शराब के नशे में पिता ने बेटे को काट डाला, 6 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ा। पत्थरबाजी की घटना पर साक्षी महाराज ने सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, बोले ममता अखिलेश व राहुल मियां होते तो क्या होता।
वाराणसी में चंदौली के युवक ने फांसी लगाई, सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड के खुश रहने की दुआ की। उपद्रवियों की पुलिस पिटाई पर अखिलेश का रिएक्शन, बोले उठने चाहिए ऐसे हवालात पर सवालात। अब्दुल्ला ने कहा यह जुल्म इंसानियत पर बदनुमा था। पॉक्स को लेकर सतर्कता, मंकी पॉक्स को लेकर मथुरा में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग, सभी ब्लॉक को किया अलर्ट। शुद्ध भारतीय नस्ल वाले प्रोजेक्ट पर बीएचयू में खुला विरोध, वैज्ञानिक बोले सांस्कृतिक मंत्रालय से ऐसी किसी स्टडी को नहीं मिली है अनुमति। प्रयागराज में सारण हॉस्पिटल में मोबाइल न जमा करने पर मरीज को नहीं दिया जाता है व्हील चेयर और स्ट्रेचर। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला, बोले किसान विरोधी है भाजपा की मानसिकता, नहीं हो रहा गन्ना दान भुगतान। पटना में बदमाशों ने बरेली के पिता पुत्र को मारी गोली, ट्रक चालक पिता की मौत, घर में मचा कोहरा। यूपी में नमाज के बाद भड़की हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त, बोले नजीर बने कार्रवाई, अपराधियों पर चलता रहे बुलडोजर। सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं, भाजपा सिर्फ कर रही है धर्म की राजनीति। मेरठ के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक और पुलिस में टकराव से भाजपा में खिंचाव, प्रदेश इकाई ने मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में दिया स्वच्छता का संदेश, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगाई झाड़ू। गोरखपुर में थानों में 60 आवासीय पर पुलिसकर्मियों का अवैध कब्जा, मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में मोबाइल शोरूम मालिक का मर्डर, कार में मिली लाश, लोगों ने एक्सीडेंट समझ कराया भर्ती, बॉडी में मिली 3 गोलियां। लखनऊ में पबजी हत्याकांड में तीसरा किरदार, बेटे से बातचीत के बाद दावा, मां की हत्या के वक्त घर में तीसरा शख्स भी था, बेहद शातिर। कानपुर कमिश्नरेट पर हिंसे का दाग, 183 घंटे में पुलिस ने 57 गिरफ्तारी की, बुलडोजर गर्जा और पुलिस की नाकामी भी आई सामने। बरेली में 17 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान, मुस्लिम संगठन ने पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी का जताया विरोध, पुलिस और खुफिया अलर्ट। वाराणसी में कपड़ा व्यापारी के घर में लगी आग, मकान की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। यूपी में नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर, आगरा के मंदिरों में पोस्टर लगाए गए, महाआरती हुई, मथुरा में हनुमान चालीसा का पाठ। प्रयागराज में शोरूम में भड़की आग, 4 दर्जन इलेक्ट्रिक स्कूटी खाक, रोता रहा शोरूम मालिक। आजमगढ़ में 20 साल की युवती पानी की टंकी पर चढ़ी, शादी के लिए परिवार पर बना रही थी दबाव। लेडी गैंगस्टर मीनू त्यागी गिड़गिड़ाई अंबेडकर नगर जेल से, सुरक्षित को किया फोन, बोली मुन्ना बजरंगी की तरह हो सकती है मेरी हत्या।
संगीत सोम के क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का प्रयास। मेरठ में पुलिस से युवक की पिटाई के बाद दाढ़ी खींचने का आरोप, हमलावर गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी आप, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। महोबा में आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति ने की खुदकुशी, पत्नी बोली 3 दिन से घर का नहीं जला चूल्हा। ताजमहल पर पर्यटक का हंगामा, पार्किंग स्लिप दिए बिना भगा रहा था कार, आगे आया रिक्शा तो की पिटाई। सेना प्रमुख मनोज पांडे परिवार के साथ पहुंचे केदारनाथ धाम, किए बाबा के दर्शन। ऋषिकेश में सड़क दुर्घटना में किशोरी की मौत, स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर कोतवाली में हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 से तैयार, तैयारियां पूर्ण, चंपावत विधायक के रूप में सोमवार को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री धामी। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के बाहर सैन्य अफसर की वर्दी में घूमता संदिग्ध गिरफ्तार। अल्मोड़ा और बागेश्वर की सूखती नदियों को मिलेगा जीवनदान, यह है 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट की रूपरेखा। रुद्रपुर में लव जिहाद से सनसनी, उत्तरकाशी में हत्यारी बेटी को मिली उम्र कैद की सजा। अल्मोड़ा आंगनबाड़ी केंद्रों में बटने वाले अंडों में मिले कीड़े, विधायक ने लगाया अधिकारियों पर आरोप। जुलूस निकाल रहे युवकों पर पुलिस ने लाठियां पर फटकारी, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में 5 गिरफ्तार। मंत्रियों के साथ सीएम धामी ने देखी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, कहा वीर शिरोमणि के बारे में युवा पीढ़ी का जानना जरूरी। सीएम धामी ने लिया कुल्हड़ में चाय का आनंद, नई परंपरा की शुरुआत कर दिया तोहफा। हरिद्वार में अब 3 माह के भीतर होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, कैबिनेट की हरी झंडी। गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर फिर गरजे मधु सदन स्थापक स्वामी शिवानंद, कहा रात को हो रहे अवैध खनन। वेब का अधिवेशना में धर्मांतरण समेत छाए रहे कई मुद्दे, ज्ञानवापी और देश में हो रही हिंसा पर हुई चर्चा, कहा संविधान का पालन करें। उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, बदलेगा मौसम, उत्तरकाशी सहित 8 जिलों में बारिश के आसार, जाने मौसम पूर्वानुमान। उत्तराखंड में संतोष पर झील पहुंचकर जापानी पर्यटकों ने रचा इतिहास, मान्यता है इसी रास्ते से पांडवों ने किया था स्वर्गारोहण। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का डंका, पहली बार हिंदी में भी जारी होगी यूएन की सूचनाएं, भारत के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। युद्ध पर चीन का बुद्ध ज्ञान, कहा शांति स्थापित करने के लिए भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं काम।
अमेरिका की चेतावनी पर चीनी रक्षा मंत्री की दो टूक, चीनी सशस्त्र बलों की क्षमता को कम नहीं आके हम अंत तक लड़ेंगे। पाकिस्तान में बेरोजगारी के संकट ने बढ़ाई परेशानी, विदेशों में नौकरी पाने वालों की संख्या 27.6% की वृद्धि। ताइवान में अमेरिकी हथियार बेचे जाने पर भड़का चीन, टकराव को दी चेतावनी, अमेरिका ने दिया यह जवाब। अमेरिका पर महंगाई की तगड़ी मार, टूटा 40 साल का रिकॉर्ड, जरूरत का हर सामान हुआ महंगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज और बेटे हमजा को अदालत ने दी अग्रिम जमानत, 14 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु वार्ताकार को बनाया विदेश मंत्री, किम जोंग ने हथियार दोगुनी करने पर दिया जोर। काबुल में बट खक स्क्वायर में धमाका, कार में रखा था बम, धमाके में 4 लोगों की मौत, कई घायल। चीन में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 275 नए मरीज। साल के हाई रिकॉर्ड पर क्रूड ऑयल, देश में फिर बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल के दाम। हेल्थ सेक्टर में मुकेश अंबानी का बड़ा दांव, सबसे बड़ी विदेशी डील के करीब पहुंचा रिलायंस। अब यूपीआई पेमेंट्स के लिए ऐप के से क्रेडिट कार्ड को भी करा सकेंगे लिंक, रुपए कार्ड से होगी शुरुआत। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, चांदी 1590 और सोना 232 रुपए हुआ सस्ता। कमजोर मांग और सप्लाई बढ़ने से कम होने लगे तेलों के दाम, आगे भी जारी रहेगी गिरावट। मोटू पत्तू सिखाएंगे टैक्स के गुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया कॉस्मिक बुक और गेम। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी, 11 पैसे टूटकर निचले स्तर पर पहुंचा। सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई, उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख का जुर्माना। नेगेटिव से स्टेबल की भारत की रेटिंग, जीडीपी ग्रोथ को 8.5% से रिवाइज कर 7.8% किया। बिटकॉइन में 18,000 से ज्यादा की बढ़त, वही इंश्योरेंस बीते 24 घंटों में 1,363 रुपए बढ़ी। न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, कप्तान केन विलियमसन कोरोना पॉजिटिव, अगले टेस्ट मैच से हुए बाहर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज भारत की नजर, वापसी पर ऋषभ पंत की कप्तानी की अग्नि परीक्षा। छेत्री ने जमाई रोनाल्डो जैसी फ्री किक, भारत ने अफगानिस्तान को 2-1 से हराया, शमद ने दागा विजयी को।
डेविड मिलर के सवाल पर भुवनेश्वर कुमार का करारा जवाब, कहा हम चाहते हैं दक्षिण अफ्रीका उन्हें ड्रॉप कर दे। कप्तान शनाका ने आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर श्रीलंका को जिताया, ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप से रोका। न्यूजीलैंड में पहली पारी में 500 स्कोर बनाया, दोहरा शतक चूके जेरिल मिचेल। .500 करोड़ हो सकती है फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप टिकट के लिए, 2.35 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया अर्जेंटीना के मैचों के साथ। बीसीसीआई के बॉस सौरभ गांगुली का दावा, इंग्लिश प्रीमियर लीग से ज्यादा कमाई करता है आईपीएल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने टीम इंडिया पर साधा निशाना, कहा उमरान को नहीं चुन के गलती की। लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में बनाई जगह। तारा विघ्नेश ने तिरुपति मंदिर में नियमों का उल्लंघन करने पर मांगी माफी, बोले असुविधा के लिए हमें खेद है। पहले दिन ही सुस्त पड़ी नुसरत भरूचा की जनहित में जारी, सिर्फ 43 लाख रुपए ही रहा फिल्म का बिजनेस। फैशन डिजाइनर की संदिग्ध मौत, अपार्टमेंट के बाथरूम में मिली प्रत्युषा गरिमेला की लाश। आर्यन की गिरफ्तारी पर रोए थे शाहरुख, अफसर ने कहा आपने हमें राक्षस जैसा पेश किया जो समाज को तबाह करने निकलता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की लगी लॉटरी, ओपनिंग टॉप 10 की लिस्ट में 7वें नंबर पर। सिद्धू मूसेवाला के बर्थडे, फैमिली ने दी श्रद्धांजलि, सिंगर के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया वीडियो। खेसारी लाल और अक्षरा ने सोशल मीडिया पर लाया सुनामी, नया सॉन्ग हुआ रिलीज। महिमा चौधरी ने कैंसर जर्नी में बताया संजय दत्त को इंस्पिरेशन, बोली उनकी कहानी ने मुझे इंस्पायर किया। बॉयफ्रेंड आदिल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची राखी सावंत, रोते हुए एक्स पति रितेश पर लगाए गंभीर। अमिताभ बच्चन ने केबीसी में पूछा 2000 के नोट में चिप से जुड़ा सवाल, वायरल हुआ वीडियो। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।